आज पूरा निगम भिलाई का क्षेत्र आवारा मवेशियों के कब्जे में नजर आता है। भिलाई क्षेत्र के हर छोटे बड़े मार्गों सहित कॉलोनियों और अंदरूनी गलियों में भी इन आवारा मवेशियों की वजह से आवागमन करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और जगह जगह ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझना भी पड़ रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई की टीम लगातार दावे कर रही है कि भिलाई की सड़कों से आवारा मवेशियों की धरपकड़ की जा रही है, परंतु आज भी शहर के मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक विशेष तौर पर दुपहिया चालकों का आवागमन करना काफी मुश्किल भरा हो चला है। दिन हो या रात, ये मवेशी सड़कों पर इस कदर घूमते हैं या अपने अड्डे बनाकर बैठ जाते हैं कि वाहन चालकों के लिए वाहन चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस नजारे को देखकर यह साबित होता है कि निगम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान नाकाफी साबित हो रहा है। आए दिन शहर की किसी भी कोने से, किसी भी सड़क से यह सूचना जरूर मिल जाती है कि मवेशियों की वजह से एक दुर्घटना हो गई है। सवाल यह उठता है कि यह आवारा मवेशी इतनी बड़ी तादाद में आखिर भिलाई की सड़कों पर क्या कर रहे हैं, इनका मालिक कौन है और अगर मालिक है तो उन्होंने इन्हें आवारा घूमने के लिए क्यों छोड़ रखा है। पूरा भिलाई शहर तो नहीं, परंतु कोहका की सड़कों पर इन दिनों मानवाधिकार संगठन YDC एवं कोहका विकास समिति के सदस्यों को आवारा मवेशियों को सड़क से हटाते देखा जा सकता है। यह चाहते हैं कि इन आवारा मवेशियों की वजह से सड़क पर कोई गंभीर हादसा न हो, परंतु ये आवारा मवेशी फिर कुछ देर बाद वापस इसी रोड पर काबिज हो जाते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते रहते हैं। मैं डॉक्टर सुशील मजुमदार, मानव अधिकार यूथ डेवलपमेंट काउंसिल और आपका कोहका विकास समिति के अध्यक्ष। बताएंगे, कोहका की सड़कें आजकल दुर्घटना का स्थल बन गई है, क्या कारण है? बिल्कुल, इसका कारण यह है सड़कों पर जो देखिए आवारा मवेशी, आपका सुअर, यानी ये सारी चीजें ऐसा विस्थापित करके जैसे किसी ने सेट करके रखा हुआ है, इनके ऐसे बैठे रहते हैं जैसे इनका स्थल है ये, जिसके वजह से हमारे आने जाने वालों को, यहाँ तक कि हम सबको, यहाँ छात्र जाते हैं, स्टूडेंट छात्राएं जाती हैं, स्कूल आने जाने वालों का एकदम भीड़ रास्ता, देखिए आप ये पोजिशन में लीजिए, ये पोजिशन है, अब जहाँ देखेंगे वहाँ जानवर रहेगा। अब हम इनको किससे कहें, कहाँ शिकायत करें? नगर निगम वाले ढोल पीट के बंद हो जा रहे हैं, सरकार अपने मस्त है, VIP गाड़ी में चल रहा है उन लोग का, अब क्या करें? हम लोग सब रो रो के बोलते हैं, माई बाप आप तो बड़े गाड़ियों में चलते हो, आपको तो समझ में आता नहीं है, हमें चलना दो पहियों में, रोज कहीं ना कहीं घूमना है और बारिश का सीजन है, बताइए कहाँ जाएं हमको, क्या करें? कुछ तो बताएं, सरकार ही बताए, अरे नगर प्रशासन बताए, कोई रास्ता बताए, ट्रैफिक वाला बताए। अब देखिए भाई, आपके सामने की बात है, बार बार उनसे प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं, यही लगता है कि अब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा तभी इनके कान में जू रेगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही अपूरे। यहाँ पे रोड में देखा जाए तो आवारा मवेशी बहुत ज़्यादा है और खासकर बरसात के दिनों में रोड पर आवारा मवेशी, गाय बैल वगैरह बैठे रहते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट के 100% चांस है। कई बार मैं भी गिरा हूँ, यहीं पर गिरा हूँ, मेरे एक बार दो बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और ये गाय और लड़के नहीं है, यहाँ पे शुअर भी बहुत ज़्यादा है, शुअर तो ऐसे दौड़ते हैं रास्ते में जैसे कि मैंने कंट्रोल करना मुश्किल है, अभी कितना भी धीरे चले गाड़ी में बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी बोलना चाहे निगम की तरफ से कोई देख रेख नहीं है कि हाँ यहाँ पे गाय पकड़ने या बैल पकड़ने या आवारा मवेशियों पकड़ने के लिए कोई आ रहा है, बहुत मुश्किल है। इन आवारा मवेशियों को सड़कों पर इस तरह घूमते हुए देखने से सवाल यह उठता है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी रोका छेका का अभियान एक लंबे समय से चला रही है और निगम भी दावे कर रहा है कि वह आवारा मवेशियों को सड़कों से हटा रहा है, परंतु यह दोनों ही बातें धरातल पर नजर नहीं आती। कब तक यूं ही आवारा मवेशी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते रहेंगे और कब तक आवागमन करने वाले राहगीर इनके शिकार होते रहेंगे? ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।